चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? जोर से, गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम जब प्रॉपर होगा तो गृहस्थ आश्रम पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी साधु संतों की। दूसरी रोटी, आपके द्वार पर कोई साधु आए भीख मांगने, हम आप, अच्छा चलो कल के दिन हम आपके घर आए, मैया भिक्षाम देही भवती, भिक्षाम देही भवतः, भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो, तो आप क्या कहोगी? अरे इतने हट्टे कट्टे हो, कमा के खा नहीं सकते, क्या करें मेरी माँ। जब भगवान में मन साधु संतों का लग जाता है तो वो कहते हैं कि अब किसके लिए कमाना, जो बची सांसें हैं वो भगवान के नाम कर देते हैं। अब पेट भरने को दो रोटी तो चाहिए, तो दो रोटी आपके गृहस्थों के घर से मांग कर खा लेते हैं। भाग्यवान होते हैं वो गृहस्थ जिन गृहस्थों के घर से साधु संतों के नाम की रोटी निकलती है। धन्य होते हैं वो गृहस्थी, धन्य होते हैं वो लोग जिनके द्वार पर साधु संत भिक्षा लेने जाते हैं, सबके द्वार नहीं जाते। मैं साधु बनूंगा भविष्य में तो मैं भी भिक्षा मांगने जाया करूंगा, आप में से किसी के घर आऊंगा और आप कह दोगे कमा के खा नहीं सकते, तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन अभी कह देता हूं कि जब कमाने की उम्र थी कमाए, सेवा की, अब तो उम्र भिक्षा मांग के खाओ और भजन करो भगवान का। कहां रोटी जोड़ते रहेंगे, अब रोटी जोड़ने का नहीं है, दो खा लिया भजन करो। आजकल के जो भिखारी होते हैं ना, उन भिखारियों को, आजकल तो भिखारी भी वीआईपी हो गए हैं, इन वीआईपी भिखारियों से तो डर भी लगता है कि कहीं ये चोर लुटेरे तो बन के, आजकल रावण साधु बन के आया था माता सीता को चुराने, आजकल ये भी आप लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन जो असली साधु होगा उसकी मैं पहचान बताऊं, जब मैं साधु बनूंगा भविष्य में तो मैं कैसा साधु बनूंगा, फिर मैं आपके किसी के घर आऊंगा भिक्षा मांगने तो देना, ताना मार दोगी तो फिर मैं नहीं आऊंगा कभी तुम्हारे घर। हाँ, जब मैं साधु बनूंगा तो संसार से, जब संसार को छोड़ दिया तो शरीर से नहीं मन से छूट जाए, भगवान की भक्ति इतनी हो कि संसार मन से छूट जाए, एक भगवान की सेवा कुछ याद ना रहे। कोई गाली दे तो गाली ठीक है, कोई अपमान करे तो अपमान सही, सम्मान करे तो सम्मान सही, ना अपमान से मतलब ना सम्मान से मतलब। तुम्हारे द्वार पर आएंगे भिक्षाम देही कहेंगे, दो रोटी दोगे तो खा लेंगे, नहीं दोगे तो गोविंद के आश्रित के प्रभु आज तेरी यही इच्छा है कि हम भूखे रहें, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा है। आप हमें पैसा देंगे तब तो हम पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पैसे की तब जरूरत ही नहीं होगी, पैसे की जरूरत तो अभी है कि वृद्ध माताएं यहाँ रहती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है, जब ये संसार छूटेगा तो फिर जरूरत कुछ नहीं होगी, जरूरत फिर केवल गोविंद की होगी। रही शरीर का भरण पोषण तो दो रोटी चाहिए रहेगी, तो भिक्षा मांग के खाई जाएगी, मिलेगी तो ठीक, और भिक्षा भी केवल सात घर मांगी जाएगी एक दिन में, सात घर में भरपूर मिल गया तो सही है, यदि सात घर में दो रोटी नहीं मिली तो वाट वगैरह दास नहीं जाएगा। आज ठाकुर जी की इच्छा मानकर कल हमारे यहां भिक्षा मांगने की ये रिवाज ऐसा रहा है कि सात घर भिक्षा मांगी जाती है। कितने घर भिक्षा मांगी जाती है? सिर्फ सात घर, और सात घर में यदि एक घर में ही तुमने पर्याप्त हमें भिक्षा दे दी, रोटी दे दी, खीर दे दी, जो बना हुआ दे दिया, एक घर में ही मिल गया तो दूसरे घर जाने की जरूरत, भाई एक घर में हमें चार रोटी खानी है और पर्याप्त तुम्हारे घर से मिल गई तो हम दूसरे घर क्यों जाएंगे, और तुम्हारे घर नहीं मिली तो दूसरे घर जाना पड़ेगा, और दूसरे घर में भी नहीं मिली तो तीसरे जाना पड़ेगा, तीसरे में नहीं तो चौथे में, चौथा नहीं तो पांचवा, पांचवा नहीं तो छठा, छठा नहीं तो सातवा, और सातवें में नहीं मिली तो फिर आज ठाकुर जी की ये इच्छा मान लो कि आज भगवान कह रहे हैं कि आज उपवास करके भजन करो हमारा।
तो ठाकुर जी की आपकी यही इच्छा कि आज कुछ ना खाएं तो सुंदर गंगा जल यमुना जल जो पानी है पानी पी के गोविंद सहारा तेरा नंदलाल ऐसे ऐसे साधु आज भी हैं हमारे देश में जो आज भी भिक्षा मांगते हैं और पैसा नहीं लेते वो तुम आज देखो ना समाज में कुछ लोगों ने तो धंधा बना रखा है उनके चक्कर में असली साधु संत भी बेचारे पिस जाते हैं हमारा देश संतों से भरा हुआ देश है हमारे देश में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जो मधुकरी जिंदगी जीते हैं भिक्षा मांगते हैं खाते हैं और भगवान के आश्रित रहते हैं जरूरत ही नहीं है संसार में उथल पुथल मचाने की एक गोविंद के सहारा पेड़ की छांव में सो जाना नदी का पानी या फिर जंगल में एकांत में रहना रोटी की भी जरूरत नहीं है साहब मुझे तो लगता है कि रोटी की भी जरूरत नहीं है जंगल में जाएंगे वहां बढ़िया पत्ती जो मिल जाए पेट भरने के लिए जरूरत पड़ी तो पत्ती वत्ती खा लिया पानी पिया और भजन करो गोविंद का एक भगवान और एक हम या हम हो या भगवान तीसरा कोई ना हो ऐसा साधु संत भाव रखते हैं तो मेरी तो आखिरी यही इच्छा है कि मैं अंत में संसार का थोड़ा सा भ्रमण करूं और फिर एकांत में जंगल में कहीं गुफा में जाकर भगवान का चिंतन हो संसार में जब तक है जिम्मेदारी है पूरी कर रहे हैं यदि संसार में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम माता की पिता की बच्चों की सेवा परवरिश जो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दी वो करें यदि ये हमारी जिम्मेदारी है तो आखिरी समय में भगवान में मन लग जाए हमारा ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है यदि नहीं लगा तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा मरते समय हमारा मन भगवान में नहीं लगा तो सबसे बड़ा हमारा नुकसान इसलिए लापरवाही मैं तो कोशिश करूंगा कि लापरवाही ना हो आप लोग भी ना किया करो लापरवाही और द्वार पर कोई संत आए तो पैसा भले ना दो पर अन्न तो दो रोटी तो दो भगाओ मत ना जाने किस रूप में ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए पता नहीं कब तुम्हारे द्वार पर भगवान भिक्षा मांगने आ जाए कि चलो आज भगत की भिक्षा लेंगे कि देखते हैं और तुमने तभी भगवान से कह दिया क्यों रे कमा के खा नहीं सकता सोचो हम आपसे रोटी मांग रहे हैं और आप हमें उपदेश कर रहे हैं इसलिए द्वार पे आए अतिथि को रोटी दीजिए पैसा मत दीजिए 10 रुपए भी मत दीजिए 1 रुपए भी मत दीजिए पर अन्न दान दीजिए रोटी दीजिए दाल दीजिए चावल दीजिए चलो भैया संत जी आइए आप प्रसाद पा लीजिए लगा दो थाली सच्चा संत होगा तुम्हारे घर खाके तुरंत वापस चला जाएगा ना उसे कपड़े की जरूरत है ना उसे रुपया पैसा मांगेगा हम जैसे साधु बन जाएंगे ना तो हम तुमसे ना मांगेंगे फूटी कौड़ी जरूरत ही नहीं फिर पैसा कमाने के लिए थोड़ी साधु बने हैं पर साधु बनेंगे तो फिर भगवान राम नाम धन कमाएंगे फिर पैसे की जरूरत नहीं है है ना मेरी माँ अभी हम गृहस्थ में हैं इसलिए अपने गृहस्थ के कर्तव्य पूरे कर रहे हैं जब संत बन जाएंगे तो संत वाले कर्तव्य पूरे करेंगे अभी हमारी उम्र किसकी है 25 साल तक ब्रह्मचारी और 50 साल तक गृहस्थी हमारी उम्र 50 साल तक किसमें है गृहस्थी में 50 के बाद फिर हमारा वानप्रस्थ फिर संन्यास तो व्यवस्थित चलना है अपने को प्रॉपर सारे विषयों में प्रॉपर 10वीं क्लास में 6 विषय होते हैं तो 6 विषय में 33-33 नंबर चाहिए होते हैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा 100 लाओ 100 में 100 पर कम से कम 33 तो चाहिए पास होने के लिए उसी तरह हमारे भी 4 सब्जेक्ट हैं गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास चारों में कम से कम 33-33 नंबर तो लाना है ये थोड़ी के गृहस्थी में आ गए तो गृहस्थी उभरे ही नहीं बुढ़ापे में भी पोता मेरा पोती दांत गिर गए फिर भी मेरा पोता मेरे बिना सोता नहीं है तो मर जाओगी मैया तो वो जागते ही रहेगा फिर ये गलत फहमी पाल के बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी है बूढ़े बूढ़े भैया ये घर में ये नहीं कि अपना भजन करने निकले घर में पड़े बताओ खटिया तोड़ रहे हैं बुढ़ापे में
है? अरे आ तो गए हो, फिर तो चले जाओगे वापस, छूटता कहां तुमसे सब। संसार में रहो, पत्नी के साथ, बेटा बेटी सबके साथ रहो, पर रहो कैसे? जैसे कीचड़ में कमल रहता है। संसार में रहना बुरा नहीं है, रहोगे कहां, बाहर भी जगह कहां है, रहो, पर संसार में ऐसे रहो घर में कि ऐसे रहो कि रहते हुए न संसार का कोई प्रभाव आप पर पड़े, कोई गाली दे, कोई अपमान करे, सबसे हट जाओ और एक भगवान में स्थित हो जाओ। मान सम्मान अपमान सबसे ऊपर उठ जाओ, कोई गाली दे तो देता रहे, अब ये तो आप हमें गाली देंगे, चलो हम साधु बन गए। जब हम साधु बनेंगे तब की बात कर रहे हैं, जब हम साधु बनेंगे और तब हमें कोई गाली देगा तो बताओ हम भी उसे गाली देंगे? हम भी यदि उसकी तरह उससे उलझ जाएंगे तो उसमें और हम में अंतर क्या रहेगा? अरे हम साधु बने हैं, अब हम इसमें नहीं उलझेंगे, तुम देते रहो हमें गाली, खत्म बात। अभी तो गुस्सा आ जाती होगी, लेकिन इसी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो मनुष्य बनाया है भगवान ने आपको। अपने पर कंट्रोल नहीं है तो किस बात के मनुष्य हो? जो आदमी सही समय पर ब्रेक ना लगाए वो सही ड्राइवर नहीं होता। सही ड्राइवर वो होता है जो सही समय पर अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाए। तो बस आप सही ड्राइवर बनो। आपको जब देखो गुस्सा आ गया, जब देखो काम वासना सताई, जब देखो क्रोध आ गया, जब देखो लोभ आ गया, मतलब आपकी गाड़ी अनकंट्रोल है। कौन चला रहा है तुम्हारी गाड़ी? किसके बस में हो तुम? ऐसे नहीं चलता। धीरे धीरे देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो और मन से गोविंद गोपाल। हाँ कोई परवाह ना संसार की। मेरे मन में तो मेरे दिमाग में संत भाव अभी से जाग गया है, मेरे दिमाग में रहता यही हूँ सबके बीच में, पर मैं भाव से अपनी कल्पना आगे की करता रहता हूँ। जब मैं संत बनूंगा सब संसार से नाता रिश्ता जो है धीरे धीरे हर रिश्ते की जिम्मेदारी पूरी करके और अपना धीरे धीरे संसार से हट जाओ, छोड़ दो धीरे धीरे। जैसे आम धीरे धीरे पकता है और जब फाइनल पक जाता है ना तो वो पेड़ को छोड़ देता है। फाइनल पक जाता है आम तो धीरे धीरे पेड़ को क्या करता है? छोड़ देता है। छूटता देखो कच्चे आम को ना छुड़ाना पड़ता है पेड़ से लाठी डंडा मार के, और पक्के को छुड़ाने नहीं पड़ता, वो पकते ही अपने आप। हम तो भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु इतनी भक्ति इतना प्रेम भर दीजिए मेरे हृदय में कि संसार छोड़ना ना पड़े, सब अपने आप छूटता चला जाए, सब अपने आप छूटता चला जाए। आम पक जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ाना नहीं पड़ेगा, सब छूटता चला जाए। तो संत ऐसे होते हैं हमारे यहां, आज भी ऐसे संत हैं मेरे जानकारी में, ऐसे ऐसे संत हैं जिन्हें आप 1 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 1 करोड़ दो, लेंगे नहीं। हमें क्या करना है टुकड़ों का, कागज के नहीं लेते, केवल भिक्षा में दो रोटी ले लेंगे, फल दोगे तो फल ले लेंगे, भोग लगाएंगे खाएंगे। अरे बोले कल के लिए रख लो, अरे कल पगले जो कल का सूर्य भेजेगा वो कल की रोटी भी भेज देगा, जो कल प्राणों को बचाए रखा है ना वो कल की रोटी करेगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हाँ चिड़िया कल के लिए अनाज नहीं रखती बचा कर। अरे जिसने कल की जिंदगी दी है वो कल की रोटी भी देगा, जो कल की सांसें दे रखा है वो कल का पानी भी देगा। इंसान ना जाने क्यों मर रहा है, हाय हाय हाय। आप लोगों के पास इतना पैसा है कि 2-3 पीढ़ी तो आपकी बैठी बैठी खा सकती हैं, लेकिन आप 10-20 पीढ़ी के बंदोबस्त में लगे हुए हो, ये तुम्हारा अज्ञान है। लाभ कुछ नहीं है, करते करते मर जाओगे, कमा कमा के खाली हाथों खाली हाथ जाओगे। राम नाम का धन संग जाएगा, याद रखिएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। भगवान का धन, राम नाम का, कृष्ण नाम का धन संग जाएगा, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग रहोगे, संगति करोगे, अच्छा रंग चढ़ेगा और संसार से धीरे धीरे नाता छूटेगा। आजकल आप लोग संतों को ना अपमानित कर देते हैं, चले जाओ बाबा जी कमा के खाओ, अरे राम राम,
तुमसे कोई दौलत मांगने आ गया। हाँ, जो फ्रॉड हैं, जो गलत हैं, आप उनसे सावधान रहो, पर जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, कहीं उन दुष्टों के चक्कर में अच्छे संतों का अपमान ना हो जाए। आपकी पूरी, मैं आप एक चीज और मैं लिखित में देता हूं आपको, आप गृहस्थ हैं ना, आपके गृहस्थ आश्रम का समय है 50 साल 70 साल, आप 70 साल से गृहस्थी में हैं लगभग। इस 70 साल में एक बार या दो बार आपके द्वार पर कोई सच्चा संत आया होगा, रोज रोज कोई नहीं आता तुम्हारे घरे, आता है? किस्मत वाले होते हैं वो, जिनके द्वार पर संत भिक्षा लेने आ जाते हैं। पहले के लोग भिक्षा देने जाया करते थे। हम पहले गांव में थे ना, तो हमारे गांव के लोग पहले हमारे घर में सीधा लेके आते थे। हम लोग पूजा करते थे भगवान की, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, शरीर ब्राह्मण है, और मंदिर की पूजा हम लोगों को गांव में, एक बड़े आदमी हैं हमारे गांव में, उनका एक मंदिर बनवाया उनके बाप दादों ने, वो मंदिर में राम दरबार है, तो हम लोगों को पुजारी के रूप में उन्होंने रखा था, तो हमारे पिताजी पूजा करते थे। तो पुजारी का काम कैसे चलता, हम लोग पूजा करते थे भगवान की सवेरे शाम, तो गांव के लोग क्या करते थे, सीधा लाया करते थे। क्या लाया करते थे, सीधा जानते हैं? नहीं, सीधा हम बताते हैं, सीधा आजकल सीधा नहीं है इसलिए सब उल्टा हो गया, पहले सब सीधा था, आजकल सीधा नहीं है तो सब उल्टा हो गया। सीधा जानते हैं, वो लकड़ी का सूपा होता था, लकड़ी का, वो बांस का सूपा, सुपड़ा बोलते, सुपड़ा, सूपा, उस सूपे पर गांव की माताएं एक तरफ आटा, एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, एक तरफ नमक, एक तरफ टमाटर, गुड़, जो भी उनकी थोड़ा सा घी या तेल कटोरे में, और ले आती, और पंडित जी सीधा रिता लो, मतलब सीधा खाली कर लो, हमारा सुपड़ा दे दो वापस, ये ले लो। तो आटे को आटे में रख लो, चावल को चावल में। तो जब आप, अच्छा वो लोग गांव के लोग क्यों देते थे, कि हम आटा देंगे पंडित जी को, दाल देंगे पंडित जी को, तो पंडित जी इस आटे से रोटी बनाएंगे, और रोटी बना के भगवान जी का भोग लगाएंगे, तो हमारे घर के अन्य का भी भगवान जी को भोग लग जाएगा, और इसी प्रकार एक ब्राह्मण खाएगा। तो ये लोग दान करते थे, अन्न दान पहले के लोग करते थे, पहले के लोग बिना मांगे सीधा पहुंचाया करते थे। मैया सो जाओ, आप सो जाओ, सीधा ना देना पड़े, तुम सो लो, हम तो सुने ही नहीं महाराज, हम कैसे दे सीधा, सो जाओ। तो पहले के लोग सीधा बिना मांगे देते थे, फिर थोड़ा समय बदला तो लोगों ने सीधा देना बंद कर दिया, फिर पंडित जी को लगा, रे सीधा तो आया नहीं, अब बताओ क्या करें। तो फिर हम जैसे लोग गए और गांव में भिक्षा मांगना शुरू किए, कि भिक्षा हम दे ही मैया, सीधा नहीं आया, दो भिक्षा। तो हम बचपन में हम जाया करते थे गांव में भिक्षा मांगने के लिए, तो लोग दिया करते थे आटा, फिर लोगों को आसानी लगा कि हमें जाना पड़ता था, अब पंडित जी खुद आ जाते हैं, तो उन्हें सुविधा हो गई, चलो भैया चलो तुम नहीं लाते तो हम चले जाते हैं मांगने। पहले ऐसा था व्यक्ति बिना मांगे देता था, फिर व्यक्ति मांगने से देने लगा, और अब घोर कलयुग है, मांगने के बाद भी नहीं देता, कहता कमा के खा लो। अब साधु संत बेचारे हमारे जैसे भिखारी जाए कहां, बताओ। तो हमने वो सार बदलते हुए समय को खूब अच्छे से देखा, इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। हमारे गांव में हम भिक्षा मांगने जाया करते थे, सच्ची बताएं, हमारे गांव में हम भिक्षा मांगने जाया करते थे, लोग दिया करते थे प्यार से, लेकिन अब नहीं जाते, तो अब नहीं जाते तो कुछ लोग कहते हैं कि आप आया करिए, कभी कभी आया करिए। हम कहते हैं जरूर आएंगे, पर अब समय कम है। अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि तुम्हारे द्वार पर भी भिक्षा मांगने कोई जा रहा है,
तो वो भिक्षा का जो आटा दाल चावल तुमसे लाता है वो तुम्हारा दाल चावल नहीं बल्कि तुम्हारे सारे दोषों को ला करके और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। अन्न दान जब कोई करता है तो अन्न नहीं आपके समस्त अन्न में जितना दोष है वो दोष उस दान से निकल जाता है। तुम्हारे धन में जितना दोष है वो दोष उस दान से निकल जाता है। इसलिए दान करने से धन का दोष नष्ट होता है, अन्न दान करने से अन्न का दोष नष्ट होता है और संकीर्तन करने से मन का दोष नष्ट होता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करना, अरे दान देने वाला बड़ा नहीं है साहब, दान देने वाला बड़ा नहीं है, उस दान को स्वीकार। बताइए राजा बलि ने दान दिया, राजा बलि ने दान दिया तो राजा बलि के द्वार पर दान लेने कौन गया था? जोर से कौन गया था? राजा बलि के यहां दान लेने कौन गया था? तीन पग भूमि का वामन भगवान। कौन से भगवान? वामन भगवान। वामन भगवान राजा बलि के यहां क्या लेने गए? भिक्षा। राजा के सोचिए, एक पहला राजा है इस धरती पे, करोड़ों लोग आए मर गए, करोड़ों आए मर गए, लेकिन करोड़ों में एक राजा बलि ऐसे हैं जिनके द्वार पर भगवान भिक्षा लेने पहुंचे थे। हाँ तो बताइए, राजा बलि जैसे दानी तो हर युग में हुए हैं, लेकिन राजा बलि के दानियों के घर में वामन भगवान जैसे भिक्षुक हर युग में नहीं हुए और हर बार नहीं गए लेने। इसलिए हमारे द्वार पर कोई आया है और हमसे रोटी मांग रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो हम इस भक्त को रोटी देकर इसकी भूख मिटाएं। ये सौभाग्य मानना चाहिए कि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है और ये आपके घर आया। ये चाहता तो दूसरे के घर में रोटी मांग के खा लेता, हमें हमारे घर आया मतलब हम पर कृपा करने आया है।